IVM। नए हफ्ते की शुरुआत क्रिकेट के मैदान की दो बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल मैच की और भारतीय टीम ने पांचवी बार किस तरह से खिताब पर कब्जा किया, उस पर बातचीत करेंगे। और साथ ही वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत तो हासिल की, लेकिन कई ऐसे डिमांडमेंट थे जिस पर रोहित शर्मा ने कहा कि काम करने की जरूरत है। कुछ बॉक्सेस जरूर टिक किए हैं भारतीय टीम ने, अगर आप दक्षिण अफ्रीका के प्रदर्शन से तुलना करें, लेकिन अभी भी गुंजाइश बहुत बाकी है। खास तौर से अगर हम बात करें बैटिंग डिपार्टमेंट में, विराट का एक बार फिर फेल होना थोड़ा सा सवालों के घेरे में रहा। रोहित शर्मा खुद अपने आउट होने के तरीके से खुश नहीं थे क्योंकि मैच वो फिनिश करना चाहते थे, लेकिन अच्छी बात ये रही कि दीपक हुड्डा जो अपना पहला मैच खेल रहे थे, बहुत पेशेंस के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की। और सूर्य कुमार यादव, जिनके बारे में सभा भाई, अयाज सर या राजकुमार सर सबके साथ हमने चर्चा की है कि नंबर चार के लिए आइडियल कैंडिडेट है, और उसी बात को, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स की बात को खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर हमने अलग अलग सूर्य कुमार यादव पे बातचीत की और सबने एक सुर में कहा कि अगर कोई आइडियल बल्लेबाज है नंबर चार के लिए तो सूर्य कुमार यादव है। अब इन दोनों जीत पर चर्चा करेंगे। शुरुआत पहले वेस्ट इंडीज से मिली जीत पर कर लेते हैं और उसके बाद ब्रेक के बाद जब हम जाएंगे तो हम बात करेंगे अंडर 19 वर्ल्ड कप की। तो चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सभा भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, अयाज भाई हमारे साथ हैं। अयाज सर, नए हफ्ते की शुरुआत और दो अच्छी खबरों के साथ हो रहा है, कम से कम ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में निराशा ही हाथ लग रही थी। अब कम से कम रोहित शर्मा आए, एक नई आस, एक नई उम्मीद जगी है और शुरुआत उन्होंने फुल फ्लैश कप्तानी की अपनी जीत के साथ की। देखिए, मेरे ख्याल से फ्लाइंग स्टार्ट मिला है रोहित शर्मा को। हालांकि मैं मानता हूं कि ये मैच जितने कन्विंसिंगली जीतना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। एक बहुत मॉडेस्ट छोटा सा टारगेट था चेस करने का और अच्छी शुरुआत भी मिली। रोहित ने जबरदस्त पारी खेली, लेकिन फिर जैसा आपने देखा दो तीन विकेट गिरी। एक तो अनफॉर्चुनेट अनलक्की थे, ऋषभ पंत के बैकिंग अप करते हुए रन आउट हो गए। लेकिन खास करके विराट कोहली जिस तरह से आउट हुए, ऐसा लगा कि शायद अभी भी उनका जो दिमाग जो है वो सेटल नहीं हुआ है। जो कंडीशंस, जो सिचुएशन में, जिस तरह से हम मानते थे विराट ऐसी सिचुएशन में आके तो मैच जिता ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हड़बड़ा कर खेल रहे हैं। एक दो एज लगे, एक पता नहीं, शायद वो 8-10 स्ट्रोक में ही मैच खत्म करना चाहते थे या जो भी था। ये पता है कि अभी भी इतना जो संतुलन चाहिए उनका टेम्परमेंटली वो मिला नहीं है उन्हें। सर, एक हमारे व्यूवर है मुझे ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि मैं एक स्टोन भेजना चाहता हूँ विराट कोहली को, उनके ऊपर जादू मंत्र किया गया है और वो स्टोन जो है सारे भूत प्रेत भगा देगा। नहीं देखिए, बहुत लंबा रन हो गया है कि, और मैं नहीं मानता हूँ कि बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने दो हाफ सेंचुरी लगाई, ओडीआई में, टेस्ट में हाफ सेंचुरी लगाई, बल्कि ऑलमोस्ट 79 रन बनाया था और अच्छी पारी खेली, जबरदस्त पारी खेली थी। लेकिन जो एक लंबी इनिंग्स हम जानते हैं विराट, जिससे हम पहचानते हैं उन्हें, जो मैच विनिंग, जो इम्पैक्ट देते थे मैच विनिंग का, वो नजर नहीं आया है पिछले काफी महीनों से। तो ये एक सवाल तो उठेगा ही इस पे कि क्या हो रहा है। और टेक्निक की बात तो है नहीं, ये जो कुछ भी है ये टेम्परमेंट की बात है। तो इसमें जो है वो इसका सोल्यूशन जो है वो खुद विराट ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। सभा भाई, हर्ष जैन है बड़े क्रिटिकल हो रहे हैं, उनका तो कहना है कि हम कितनी अपॉर्चुनिटी और देंगे विराट को, आउट ऑफ फॉर्म है, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खिला दीजिए ले जाके। चलिए, वहां तक तो बात नहीं होनी चाहिए, अभी भी वो एक प्रकार से मेनस्टे हैं भारतीय टीम के। पर अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें राजीव, तो मुझे अभी भी लग रहा है कि भारतीय जो बल्लेबाजी है थोड़ी बहुत शेकी है। शेकी है जी। सभा भाई, नंबर चार पे पंत को खिलाया जाना, क्या आप लॉन्ग टर्म हिस्सा देख रहे हैं? मतलब ये तो पिक्चर क्लियर हो रही है कि दक्षिण अफ्रीका में तीनों मैच हम सब बात कर रहे थे कि सूर्य कुमार यादव को खिलाना चाहिए और एक्चुअली बड़े शानदार तरीके से उन्होंने मैच को खत्म किया। नंबर चार आइडियली मुझे अभी भी लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव होने चाहिए, पर नंबर चार पर अगर ऋषभ पंत को भी ट्राई किया जा रहा है उसमें कोई बुराई नहीं है राजीव जी। तो मुझे लगता है वो लेफ्ट हैंड जिस तरह से इम्पैक्टफुल बल्लेबाजी वो करते हैं, इसी वजह से नंबर चार उनको खिलाया गया है। और सूर्य कुमार यादव चूंकि वो स्पिनर्स के विरुद्ध भी अच्छा खेलते हैं, मिडल ओवर्स में अच्छी तरह से वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, और टीम मैनेजमेंट की यही सोच होगी कि अगर रन रेट ज्यादा बढ़ रहा है तो वहां पर आकर जिस तरह के वो शॉट्स खेलते हैं उसको वो कंपनसेट कर सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब कल जिस प्रकार से आउट हुए वो अलग बात है, वो तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट डिसमिसल था, पर आते ही उन्होंने 11 रन बना लिए थे 9 गेंदों में। तो ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है नंबर चार पर जो आके बाउंड्री पर विश्वास दिखाए, और ऋषभ पंत में वो काबिलियत है, तो प्रॉब्लम उससे नहीं है राजीव। इशू यहाँ पर ये हो रहा है कि जैसे कल का ही बड़ा ही स्मॉल टारगेट था, विकेट में कोई ऐसी जान थी नहीं,
बहुत ही आसानी से भारत को ये मैच जीत लेना चाहिए था। वहां पर ये दो तीन विकेट जल्दी जो क्लस्टर्स में गिरे वो नहीं होना चाहिए था। इस तरह से आप हर मैच में आपको आपको इम्प्रूव करना होगा। 176 रन बनाने में सवा भाई 44 ओवर लग गए, इसीलिए मुझे लग रहा है कि और ज्यादा एश्योर्ड बल्लेबाजी होनी चाहिए थी। अब रोहित शर्मा ईशान किशन की साझेदारी अच्छी हुई, जैसे ही रोहित शर्मा का विकेट गिरा फिर ईशान किशन आउट हो गए, उसके पहले विराट कोहली बहुत जल्दी आउट हो गए, और इस तरह के विकेट वो भी सॉफ्ट डिसमिसल हैं राजीव, इस तरह के डिसमिसल की जरूरत है नहीं। तो इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा और इससे हमें निकलकर बल्लेबाजी करनी होगी। अच्छी बात यह जैसे कि आपने कहा कि सूर्य कुमार और दीपक हुड्डा ने कम से कम एक अच्छी साझेदारी निभाई 62 रन की, जो ये दर्शा रहा है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट का अनुभव है दीपक हुड्डा को, अगर इस तरह से वो और भी आगे लेकर बढ़ेंगे तो एक अच्छा हमें नंबर 6 प्लेयर मिल सकता है। और ज्यादा समय देना होगा दीपक हुड्डा को भी। सर दीपक हुड्डा का पहला मैच था, वो कितना इम्प्रेस कर पाए, और क्योंकि सिक्स बॉलिंग ऑप्शन की हमेशा सभा भाई तरफदारी करते हैं एक तरह से कि हमें एक सिक्स बॉलिंग ऑप्शन चाहिए, कल क्या उनको गेंदबाजी ना कराया जाना इसलिए था कि सारे गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी कर दी, सबने ऑलमोस्ट अपना कोटा पूरा किया है, ये रीजन था? और कैसे डेब्यू देख रहे हैं जिस तरह के अप्रोच के साथ वो बैटिंग कर रहे थे? देखिए दो पहलू इसमें, क्योंकि उनको ऑलराउंडर की तरह से सिलेक्ट किया गया तो एक ये था सवाल कि उनको गेंदबाजी क्यों नहीं दी गई, लेकिन सिक्स बॉलिंग ऑप्शन जब आप कहते हैं ना, वो वर्ड जो ऑप्शन है यानी अगर आपको जरूरत हो तभी आपको यूज करना है। आपके मेन लाइन जो बॉलर्स हैं अगर वो आपको विकेट्स ले रहे हैं, रन रोक रहे हैं और जो कुछ चाहिए कैप्टन को डिलीवर कर रहे हैं, तो फिर ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है आपको इस्तेमाल करने की। ऑप्शन आप टीम में रखते हैं जब सिचुएशन पैदा हो, ये नहीं है कि आपने उसको टीम में लिया तो उसको जबरदस्ती आपको 3-4 ओवर देने ही है। अगर वो 3-4 ओवर 30-40 रन पड़ गए तो कौन उसका जिम्मेदार रहेगा? तो ये है ऑप्शन जो आप है वो रखें, लेकिन ऑप्शन इस तरह का है कि वो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। और ये दीपक जैसे कभी सहवाग को यूज किया जाता था, सहवाग को यूज करते थे, तेंदुलकर को यूज करते थे, तो मेरे ख्याल से ये दीपक हुड्डा जो है वो फ्रंटलाइन बॉलर नहीं है आपके। अगर उनको फ्रंटलाइन बॉलर की तरह से आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर बहुत मेरे ख्याल से फिर तो पूरा असेसमेंट पैटर्न जो है आपका उसको उसके ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे। वो एक्चुअली एज अ बैट्समैन पिक किए गए हैं। आप लोग सबसे बड़े सिक्स बॉलर को भूल गए, सौरव गांगुली प्रेसिडेंट बीसीसीआई। वो तो अलग तरीके की गेंदबाजी, शानदार बैटिंग ऑलराउंडर, मुझे तो याद है वो सहारा कप। इन दिनों बहुत अलग तरह की गेंदबाजी वो कर रहे हैं। आया सर, लेकिन मैं वापस नंबर 4 वाले मुद्दे पे आना चाहता हूँ। सभा भाई ने कहा कि पंत को भी खिला रहे तो क्या हर्ज है? मुझे ये लग रहा है पंत को अगर आप फिनिशर का रोल दे तो ज्यादा बेहतर नहीं है। आया सर आपका क्या नजरिया है? सूर्य कुमार यादव मुझे बहुत आइडियल बैट्समैन लगते हैं क्योंकि गियर शिफ्ट कर सकते हैं, जिस तरह से वो जब चाहे वो रन रेट को एक्सेलरेट कर सकते हैं, और एज अ प्योर बैट्समैन आपको नहीं लगता है कि नंबर 4 पे होने चाहिए सूर्य कुमार यादव? राजीव मुझे लगता है कि कुछ हद तक ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है, ये सक्सेसफुल रहेगी या नहीं ये नहीं मुझे पता है। लेकिन ऋषभ पंत जो है राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन मिलता है आपको, लेकिन आया सर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की हम सब चर्चा कर रहे हैं, कल अकील ने आउट कर दिया ईशान किशन को, अब वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो वो तो मतलब थ्योरी पे हम जा रहे हैं बार बार कि यार लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर चाहिए, ऑफ स्पिनर है तो हमें राइट हैंड बैट्समैन चाहिए, अंत में तो अच्छी एक अच्छी गेंद आपको आउट कर देती है। मुझे देखिए मेरे ख्याल से ये सीरीज जो है T20 में भी और ODIs में भी और शायद उसके बाद जो एक सीरीज होगी IPL में, यहाँ पर काफी कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है। अब आप बिल्कुल सूर्य कुमार यादव को 4 पे खिला सकते हैं, 4, 5 और 6 मेरे ख्याल से ODIs में तो फर्क पड़ता है, T20 में शायद इतना ना पड़े क्योंकि वहां पर तो आप एक भी गेंद जाया नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह से संभालने की जरूरत है शायद उसी वजह से ऋषभ को नंबर 4 पे खिला रहे हैं। अब तक जो रिजल्ट्स चाहिए थे उस तरह के मिले नहीं है, तो शायद बदलाव आ सकती है टैक्टिक। सभा भाई क्योंकि रोहित बड़े लंबे अरसे के बाद वापस आए, एक तो पहले तो उनकी बल्लेबाजी का जो टच था उसको आप कैसे एसेस करते हैं और किस तरह से उन्होंने मार्शल किया अपनी पूरी टीम को, जो रिसोर्सेस थे, कितने नंबर आप उनको देंगे पहले मैच में? बहुत कठिन होता है इतने समय के बाद वो आ रहे थे बल्लेबाजी करने के लिए, पर देखिए ये खिलाड़ी गॉड गिफ्टेड है, मुझे लगता है ये एकमात्र ऐसा प्लेयर है जिसके पास समय ही समय है जी। अब एवरेज बल्लेबाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा लगता है कि कई सारे बैटर्स जो है वो जल्दबाजी करते हैं खेलने में, कई सारे बैटर्स जो है वो गति से बीट हो जाते हैं, पर इस खिलाड़ी के पास समय ही समय है रोहित शर्मा के पास। तो अच्छा लगा जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, बहुत ही जल्दी वो उनको पता था कि इस तरह के विकेट में ज्यादा कुछ है नहीं, समय लेकर उन्होंने शॉट्स खेलना शुरू किया। अब जिस तरह से आउट हुए उससे वो नाखुश जरूर होंगे। कप्तानी भी मुझे लगा है बेहतरीन तरीके से की, जिस तरह से उन्होंने दोनों स्पिनर्स को गेंदबाजी कराई, वॉशी सुंदर, यूजी चहल, उसके साथ साथ 3 उनके पास और पेस बॉलर मौजूद थे, तो मुझे लगा बहुत ही शान
जिसको कहते हैं कप्तानी की, ज्यादा कुछ हड़बड़ाहट नहीं है उनके एटीट्यूड में, उनके बिहेवियर में, और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपने रिसोर्सेज को मैन भी किया। तो मुझे लग रहा है कि अच्छी शुरुआत है रोहित शर्मा के लिए। आया सर, कल मैं जो प्लेइंग 11 देख रहा था, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें नजर आई। एक तो बैटिंग में बहुत डेप्थ नजर आ रही है वॉशिंगटन सुंदर के आने से, शार्दुल ठाकुर के पास होने से और दीपक हुड्डा के होने से, तो एक तो डेप्थ बहुत आ गई। तो क्या रोहित उन खिलाड़ियों पर ज्यादा तवज्जो देना देते हुए आपको नजर आ रहा है जो यूटिलिटी क्रिकेटर्स हैं, और वो वनडे हो या T20, इस तरह के खिलाड़ियों की ज्यादा बहुतायत हमें देखने को मिलेगी आने वाले समय में? बेशक, और मेरे ख्याल से तो ये पैटर्न है पूरे विश्व में। अगर आप T20 भी देख लें, ODI भी देख लें, वेस्ट इंडीज की ताकत भी यही है। हालांकि पहले मैच में नजर नहीं आया, लेकिन वेस्ट इंडीज की व्हाइट बॉल क्रिकेट में ताकत यही है कि उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे जेसन होल्डर। हमने कल देखा जब सब टॉप ऑर्डर पूरा कोलैप्स हो गया तो उन्होंने आके हाफ सेंचुरी बनाई। अकील हुसैन हुए, काइरन पोलार्ड खुद जो है बैटिंग भी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर आप देख लें, मिचेल मार्श जो है बहुत उभर के अच्छे ऑलराउंडर बन के आए व्हाइट बॉल क्रिकेट में। मैथ्यू वेड है जो विकेट कीपर बैट्समैन है, वगैरह वगैरह। तो ये मेरे ख्याल से ये पैटर्न आ रहा है। और इस जो नाम लिया आपने दीपक हुड्डा, वॉशिंगटन सुंदर, इसमें आप रविंद्र जडेजा को भी जोड़ ले जब वो वापस आते हैं, बिल्कुल, तो वो और आपको डेप्थ देंगे बैटिंग और बॉलिंग में। और आप जैसे छठे बॉलिंग की ऑप्शन की बात कर रहे हैं, शायद छठे क्या सातवां और आठवां ऑप्शन भी अगर आपको मिल जाए तो ये भी पॉसिबल है इंडियन टीम में, क्योंकि हरफन मौला खिलाड़ी काफी निकल के आ रहे हैं ऑलराउंडर्स। और इसकी वजह खास ये है कि T20 लीग में और IPL में ऐसे प्लेयर्स की बहुत डिमांड है, तो बहुत से यंगस्टर जो है अपने आप को इस रोल में देख रहे हैं जो दोनों कर सके। तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली इस साल T20 वर्ल्ड कप के लिए और आने वाले ODI वर्ल्ड कप के लिए ये खोज रहेगी कि आपके स्क्वाड में 15-16 के स्क्वाड में 5-6 प्लेयर्स ऐसे हो जो दोनों किरदार निभा सकते हैं। KD राजपूत वापस एक सवाल कर रहे हैं सर, सब आपके लिए सवाल है, और उनका ये कहना है कि विराट को एक ब्रेक लेना चाहिए, जिस माइंडसेट में है इस समय एक ब्रेक बहुत जरूरी है। और इनके एक्स कोच रवि शास्त्री ने भी कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट दिया था कि महीना डेढ़ महीना वो मैदान से दूर रहे और वापस आए फ्रेश होके, शायद वो जो मनोस्थिति उनकी चल रही है उससे वो बाहर निकल सके। आपको लग रहा है सब भाई ये ब्रेक की जरूरत है वाकई? देखिए, ये जो इसका सोल्यूशन खुद विराट कोहली को ही निकालना होगा। हम लोग यहाँ से जो भी कह लें कि ब्रेक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उनको पता है खुद कि उनकी मन की स्थिति क्या है, वो किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं गेम्स को, किस तरह से वो प्लानिंग कर रहे हैं, जितना समय वो पहले गुजारते थे प्लानिंग में उस तरह से वो कर पा रहे हैं कि नहीं, इन सब चीजों पर उन्हीं को ध्यान देना होगा। पर मुझे लगता है कि ये वक्त है कि आप एक तरह से, और बहुत जरूरी है कि खुद विराट कोहली अगर उनको इस प्रकार से महसूस हो रहा है तो वो जरूर ब्रेक ले सकते हैं, पर मुझे लगता नहीं कि उसकी जरूरत है। और एयाज ने बहुत बड़ी बात कही जब विराट के बारे में आप लोगों ने कहा था, आप जब बात हो रही थी कि वो जो क्लैरिटी होती है विराट कोहली की बल्लेबाजी में, जब भी जाते हैं बैटिंग करने के लिए वो साफ पता चल जाता है कि उनका अप्रोच क्या है, उनकी प्लानिंग इतनी अच्छी रहती है, टारगेट को जब जो चेस कर रहे हो या फिर टारगेट सेट करते समय उनको मालूम है किस तरह से बैटिंग करनी है। पिछले एक दो पारियों में ऐसा लगा है, चलिए केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने 2 अर्धशतक लगाया था, कल ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी थी। उनका प्लान क्या था, किस तरह से वो रन बनाएंगे, कौन से बॉलर को किस तरह से खेलना है, कौन से एरिया में शॉट लगाना है, ये थोड़ा बहुत नजर नहीं आ रहा था। अब शॉर्ट बॉल पर आउट होना बहुत बहुत सालों के बाद ऐसा देखने को मिला है, और कल तो पूरी तरह से प्लानिंग थी अलजारी जोसेफ की, उन्होंने सिर्फ शॉर्ट गेंद ही डाली और उसी पर वो सकंब हो गए। तो इस तरह के डिसमिसल बहुत कम बार देखने को मिलते हैं विराट कोहली से, इसी वजह से मुझे लगता है कि कल की पारी में मुझे ऐसा लगा, एयाज ने सही कहा कि जो क्लैरिटी होनी चाहिए थी अप्रोच में, दिमाग में, प्लानिंग में जो फोकस होना चाहिए था वो मुझे लगा कि मिसिंग है। सर कसाट साहब का एक सवाल है, और ये सवाल है ईशान किशन को लेकर। उनका कहना है कि जब भी ईशान किशन को मौका मिले उनको बहुत हैवीली स्कोर करना पड़ेगा अगर उनको थर्ड ओपनिंग ऑप्शन बनना है हिंदुस्तान की टीम के लिए, खासतौर से व्हाइट बॉल क्रिकेट में। बेशक, देखिए अगर आप कॉम्पिटिशन में है शिखर धवन से और KL राहुल के खिलाफ तो आपको बहुत बड़े स्कोर बनाने पड़ेंगे आपको रेगुलरली अगर खेलना है। और दोनों ही जैसे राहुल अब दूसरी मैच में राहुल आ जाएंगे तो क्या वो अपनी जगह संभाल सकते हैं? मुझे लगता है मुश्किल है, क्योंकि राहुल भी इनफॉर्म बैट्समैन है इंडिया के लिए, वाइस कैप्टन भी है। तो मेरे ख्याल से ईशान किशन को जब भी मौका मिले बहुत जरूरी है कि वो ऊंचे स्कोर बनाए, क्योंकि उनकी जगह जो है 1-2-3 में बनती है, वहां पर विराट कोहली है, रोहित शर्मा है और कोई और प्लेयर है जैसे राहुल और शिखर, और 5-6 में जाकर उनकी जगह नहीं बनती है, तो बहुत कम ऑप्शन है, वो एक तरह से सैंडविच हो गए बहुत सारे प्लेयर्स के बीच। और वहां पर आपको अगर सक्सीड करना है, सबका अटेंशन आपके ऊपर लाना है,
और कंसिस्टेंटली आपको जगह चाहिए तो ऐसे स्कोर बनाने चाहिए कि आपको टीम मैनेजमेंट ड्रॉप नहीं कर सके। बिल्कुल, तो चलिए इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बहुत ढेर सारे सवाल बॉलिंग कॉम्बिनेशन को लेके हैं, यजुवेंद्र चहल ने जिस तरह की वापसी की, वॉशिंगटन सुंदर ने जिस तरह की गेंदबाजी की, इन सभी मुद्दों पे आगे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, good friend of the show, good friend of Cyrus and myself, Mangalam Mallu is on. He's the assistant editor and anchor at CNBC TV 18, and he and Cyrus discuss how the budget of 2022 affects us all. On This Round Is On Me, we flip the script as Gauri is a guest on her own show. Check it out as Kavita Rajwade, my co-founder at IBM Podcast, hosts this very special episode. On Misconduct, Raghvi and Nisha are joined by Priya Mirza. She's the host of the Longest Constitution podcast. They take a close look at the former Prime Minister of India, Indira Gandhi. On Audio Gyan, Kedar talks to Dr. Simin Patel. She's the co-founder of the Bombaywala Historical Works. She talks about how she picks out the most interesting stories to showcase. And on Tere Mere Raaste, Keshav tells us the amazing transformation of the ravaged land of Purnapani. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, please do tell a friend. It really does help us when you spread the word about our podcast. And I'd also like to ask you if you could rate or recommend wherever you listen to our podcast. And speaking of where you listen to this show, if you're on an Android phone, do check out our new Android app. We have a brand new app with a brand new listening experience. Definitely check it out. I think you will enjoy it. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सबा भाई और अयाज भाई के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। खेल नीति पर अब हम बात करेंगे भारतीय गेंदबाजों के बारे में, और खास तौर से यजुवेंद्र चहल ने जिस तरह की गेंदबाजी की। कल 4 विकेट उन्होंने निकाले, 3 विकेट वॉशिंगटन सुंदर ने, और मेरे लिए सबसे इंप्रेसिव गेंदबाजी की प्रसिद्ध कृष्णा ने। 10 ओवर के कोटे में उन्होंने 30 से कम रन दिए, और उनका जो अप्रोच था, जो रनअप था, वो बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा था। अया सर, कैसे आप देखते हैं? ओवरऑल बॉलिंग तो अच्छी हुई, तभी हम 176 पे आउट कर पाए, बट सबसे जो अहम किरदार था वो मेरे लिए चहल ना होकर प्रसिद्ध कृष्णा थे। क्या आपका क्या रिएक्शन है इस पे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, और इस वजह से भी, क्योंकि उनके पहले 3-4 ओवर जो थे, ऐसा लगा कि शायद उनकी उनका रिदम सही नहीं है, रन भी थोड़े बहुत ज्यादा दिए अगर आप सिराज से तुलना करें। लेकिन जो एक तो उनके पास हाइट है, कद है, बाउंस निकालते हैं भले ही स्लो पिच हो, और मेरे ख्याल से यहाँ पर हम तारीफ जो कर रहे हैं रोहित शर्मा की, जिस तरह से स्पिनर्स को हैंडल किया, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा को भी हैंडल किया। जब जरूरत पड़ी तो उसको अटैक से निकाल दिया 3-4 ओवर के बाद, फिर जब जरूरत पड़ी तो ले आया, और किस तरह से फील्ड सजाया उनके लिए। और एक फास्ट बॉलर, यंग फास्ट बॉलर जो है, उनको इनकरेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसा सिराज जो है उभर के आया है बिकॉज ऑफ विराट कोहली, और वो खुद दाद देते हैं विराट की कि किस तरह से उनको मेंटोर किया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर रोहित का बहुत बड़ा हाथ था, प्रसिद्ध कृष्णा जिस तरह से गेंदबाजी की है। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा पे अभी ये बनता है कि वो कंसिस्टेंसी दिखाए, क्योंकि आप कंपटीशन फास्ट बॉलिंग में भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो दावा रख रहे हैं खेलने के लिए। ना भूले कि बुमराह और शमी जो है वो तो रेस्ट में है, उनको बिठाया गया है क्योंकि रेस्ट देने के लिए रोटेशन पॉलिसी में। अगर वो वापस आते हैं तो फिर जो भी हो उनकी जगह बनती है टीम में, किसी और को बाहर रखना होगा। अगर प्रसिद्ध कृष्णा को रहना है टीम में और सिराज को अगर बाहर करना है, अगर ये दो आ जाए तो फिर ही हैज टू परफॉर्म बेटर देन सिराज, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। सभा भाई, आप कैसे देखते हैं प्रसिद्ध कृष्णा के इस फेल को, और फिर हम वॉशिंगटन सुंदर के कमबैक पे भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद वो आ रहे थे और बड़े ही कंट्रोल के साथ गेंदबाजी की उन्होंने। प्रसिद्ध कृष्णा वेरी इंप्रेसिव, मुझे लगता है कि एक वो एक रिदमिक बॉलर है राजीव, उनको जैसे भी रिदम मिलता है तब उनको वो लय नजर आती है, और उसके साथ साथ स्पीड जनरेट करते हैं और वो एक्स्ट्रा बाउंस एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसी वजह से उनकी कई सारी डिलीवरीज जो हैं बहुत अनकंसर्टिंग होती हैं। आप उस स्पीड से ऑफ द विकेट बल्लेबाज जो एक्सपेक्ट नहीं करता है, और उसी का फायदा मिलता है प्रसिद्ध कृष्णा को। और पर उनका उनकी जो रिस्ट पोजीशन है, जिस तरह से रिलीज करते हैं, अगर वो डेक को हिट करते हैं तब उससे जनरेट होती है बाउंस, जैसा कि मैंने कहा, उसके साथ साथ मूवमेंट है ऑफ द सर्फेस, तो मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैट है। और धीरे धीरे हमें अब 140-142 वाले गेंदबाज चाहिए, क्योंकि उनकी ज्यादा उनकी उस तरह के बॉलर की जरूरत है इस समय भारतीय टीम को। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखेंगे कई सारी टीमें हैं, उनकी जो पेस बॉलिंग अटैक है वो कुछ इसी प्रकार से बन रही है,
इसीलिए हमें भी उसी तरह के बॉलर्स में इन्वेस्ट करना होगा। अब वो जमाना चला गया 135 या फिर हाई 130 में बॉलिंग करने वालों का, अब जमाना है 143-144 के रेंज में अगर कोई गेंदबाज आपको मिल जाता है तो उसका फायदा ज्यादा होता है टीमों को। और इसी वजह से मुझे लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा के पास ये सारे एलिमेंट्स हैं जो उनको हेल्प करेगा एक अच्छे बॉलर में डेवलप करने। बिल्कुल, और आया सर कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, मैं ये बिल्कुल सही है, देखिए जो सभा कह रहे हैं, क्योंकि इन द एयर अगर आप तेज हो 140-145 डालते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, खास करके व्हाइट बॉल क्रिकेट में, क्योंकि वहां पर बैट्समैन मजबूर है या जरूरी है उनके लिए स्ट्रोक्स खेलना। तो अगर आप उनको इन द एयर बीट करते हैं, पेस से करेंगे आप 128-130 अगर है तो आप उनको पेस से नहीं बीट कर सकते, फिर आपके पास सीम या कंडीशंस वैसे चाहिए, स्विंग करें आप वगैरह वगैरह। प्रसिद्ध कृष्णा के पास एक और अच्छी खासियत जो है वो स्लोअर डिलीवरी, तो बहुत अच्छा मिक्स करते हैं, जैसे हमने आईपीएल में भी देखा है, और कल भी एक दो डिलीवरी ऐसे डाले हैं जो बैट्समैन हक्का बक्का रह जाए कि आ रही है या नहीं आ रही है गेंद। एक चीज अगर मुझे एक कंप्लेंट बतानी हो वो है फील्डिंग के बारे में, क्योंकि आज सिचुएशन इतना हो गया, इतना कंपेटिटिव हो गया कि फास्ट बॉलर भी आप किसी बॉलर को भी या किसी प्लेयर को भी छुपाने की जगह नहीं रही है टीम में। 28 कैमरा आप तो या 30 कैमरा जो है सब जितनी भी आप गलतियां करते हैं फील्ड में वो सब पकड़ लेती है, तो उनको फील्डिंग अपनी इंप्रूव करनी होगी। और जाहिर है कि इंडिया के लास्ट थ्री बैट्समैन जो है 9-10 एंड जैक, उनको थोड़ा बैटिंग भी इंप्रूव करना पड़ेगा। सर वॉशिंगटन सुंदर एक लंबे अरसे के बाद आए, अश्विन क्योंकि इंजर्ड थे तो जेनी, आपको लग रहा है पूरा मौका का फायदा उठाया उन्होंने, 9 ओवर फेंके उन्होंने 30 रन दिए हैं और 3 विकेट। हाँ देखिए, वॉशिंगटन सुंदर के लिए बहुत बड़ा मैच था ये राजीव, क्योंकि कमबैक हुआ है इंजरी के बाद, काफी अरसे से नहीं खेले, लगभग एक साल हो गया कि वो टीम में नहीं है, शामिल नहीं थे, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा कमबैक था उनके लिए और बड़ा डिसीजन था रोहित के लिए और राहुल द्रविड़ के लिए कि कुलदीप यादव को बाहर रखें और वॉशिंगटन सुंदर को ट्राई कीजिए, क्योंकि बैटिंग ऑप्शन भी आपको मिलता है, फील्डर भी जबरदस्त है। और यहाँ पर देखिए जिसको भी मौका मिलता है, हम ईशान किशन की बात कर रहे थे पहले, वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिला, उन्होंने इमीडिएटली इम्पैक्ट किया गेम, खास करके व्हाइट बॉल क्रिकेट में ये हो गया है। इम्पैक्ट प्लेयर कौन है? इम्पैक्ट प्लेयर का मतलब ये है कि ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन हो मैच जिताने में उसका हाथ हो, यही हमने देखा वॉशिंगटन सुंदर में। अब उनको निकालना एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप किसी और को खिला के उनको बिठा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज मेरे ख्याल से उन्होंने छलांग लगाते हुए एक अपनी जगह फिर से बना ली है व्हाइट बॉल क्रिकेट। और चहल के बारे में क्या कहेंगे सर? बड़ा ही क्रिटिसाइज किया गया जब उनको वर्ल्ड कप में नहीं रखा गया, दक्षिण अफ्रीका आए तो बिल्कुल लय में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन सडनली मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे दिया उन्होंने अहमदाबाद में, बहुत अच्छी गेंदबाजी की। देखें और इंडियन कंडीशंस है, पिच में थोड़ी जान स्पिन और बाइट थी, बाउंस भी मिला स्पिनर्स को, गुगली उनकी बहुत अच्छी चली, और खास करके जिस तरह से कायरन पोलार्ड को आउट किया उन्होंने, रिसीव किया, वो टर्निंग पॉइंट था एक तरह से मैच का। अगर पोलार्ड खेल जाते थे 15-20 ओवर तो पता नहीं क्या हो सकता था, लेकिन छक्के भी पड़े उनको, ये नहीं है कि यू नो 4 विकेट निकाले, लगभग 50-49 रन दिए उन्होंने, तो एक अच्छी बात है कि विकेट्स जहां नहीं मिल रही थी वो विकेट मिल रही है। युजवेंद्र चहल या कोई भी लेग स्पिनर आपके पास हो, ऑप्शन वो विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है, भले ही थोड़े बहुत रन चले जाएं, लेकिन अगर आपको 3-4 विकेट कंसिस्टेंटली देते हैं। आया सर मिडिल ओवर्स में हम विकेट नहीं निकाल पाते तो हम वनडे मैचेस हारते हैं, हम विकेट निकाल रहे हैं तो हम जीत रहे हैं, क्या ये बड़ा फैक्टर होता है कि आप 20 से और 35 ओवर के बीच में विकेट्स निकालें? बहुत बड़ा फैक्टर है, और मुझे लगता है कि यही वजह है कि इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है पिछले व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी, अगर आप खास करके T20 में अगर आप देखें या ODIs में भी देखें, मिडिल ओवर्स में या तो आप रन मेंटेन या टेम्पो नहीं कर सकते बैटिंग करते वक्त, और विकेट्स नहीं निकालते हैं तो सामने वाली टीम को आप एडवांटेज दे देते हैं। चलिए अब आया सर बात थोड़ी अंडर 19 वर्ल्ड कप की भी कर लेते हैं। ऐतिहासिक दिन था शनिवार जब हमने वर्ल्ड कप जीता, तो खेल नीति की तरफ से पहले तो हमारे जो यंगिस्तान है उसको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया सर, आया है मीत सोनी का, उनका कहना है अंडर 19 वर्ल्ड कप में हम हर बार फाइनल खेलते हैं, 5 बार हम वर्ल्ड कप जीत भी चुके हैं, सीनियर टीम क्यों नहीं जीत पाती है, क्या रीजन है और क्या क्या कुछ सीख सकते हैं अंडर 19 टीम के अप्रोच से? देखिए मेरे ख्याल से बहुत बड़ा गैप रहता है अंडर 19 लेवल पे और सीनियर लेवल या इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें, बहुत कम ऐसे खिलाड़ी है जो 16-17-18 साल में इमीडिएटली आते हुए इम्पैक्ट बना ले इंटरनेशनल क्रिकेट में, सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर बहुत कम है। मैं आपको बताऊं, इमरान खान 18 साल के थे और तेज गेंदबाजी करते थे तो अंपायर्स और उनकी टीम परेशान बेजार आ जाती थी कि किस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं ये, लेकिन वही प्लेयर 7-8 साल बाद जाकर वर्ल्ड बीटर बन गए।
तो मेच्योरिटी मेच्योर होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। अंडर 19 में आपको पोटेंशियल नजर आता है, टैलेंट नजर आता है, वहां से जो ट्रांजिशन होता है, जिस तरह से आप कदम लेते हैं, सीढ़ियां जिस तरह से चढ़ते हैं इंटरनेशनल लेवल तक, वो बहुत ही जरूरी है। देखें, 5 बार तो टाइटल जीत लिया इंडिया ने, लेकिन 70-80 प्लेयर्स जो खेले हैं ये 5 टाइटल में, ये सब जाके इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं बने, तो सक्सेस रेट जो है वो अब लगभग आपको होगा 20-25% का, क्योंकि वो प्लेयर्स जो है उन्होंने वो सब चीजें किए जो सक्सेसफुल बने। कल हमारा यही टॉपिक है कि 19 के खिलाड़ी 20 में कैसे गायब हो जाते हैं, इस पर तो कल बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे कि 19 के खिलाड़ी जो है 20 में कैसे गायब हो जाते हैं। आज तो लेकिन मुद्दा यह चल रहा है सभा भाई कि अंडर 19 के खिलाड़ी बार बार हमें, हमारे आई ओपनर तो है, अब आईसीसी टूर्नामेंट है, नॉकआउट मैचेस होते हैं, आप जाते हैं वहां पे, हम बांग्लादेश से हारे भी पिछले साल, तो ऐसा नहीं है कि हम हार नहीं रहे, बट ये कि विनिंग परसेंटेज सीनियर टीम से बहुत ज्यादा है। राजीव, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बीसीसीआई बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है जूनियर क्रिकेट में। हमारे यहाँ जिस तरह से जूनियर क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं, इस तरह की तैयारी, इस तरह के क्रिकेट टूर्नामेंट्स डोमेस्टिक लेवल पर किसी भी देश में नहीं होते हैं। हमारी तैयारी अंडर 14 से शुरू हो जाती है। अंडर 14 में हालांकि बीसीसीआई टूर्नामेंट नहीं है, पर हर एक जोन अपने अपने जोन में अंडर 14 टूर्नामेंट कराती है। उसके बाद हमारे बीसीसीआई जो है वो अंडर 16 मैचेस करवाती है, जिसको हम लोग विजय मर्चेंट के नाम से जानते हैं, वहां से कई सारे प्लेयर्स निकलते हैं। उसके बाद हमारा अंडर 19 टूर्नामेंट होता है कूच बिहार। कूच बिहार में हम 4-day क्रिकेट भी खेलते हैं, 1-day क्रिकेट भी खेलते हैं। अंडर 16 में हम सिर्फ 3-day क्रिकेट खेलते हैं। तो हमारा जो बेस है, जो प्लेटफॉर्म है, बहुत ही शानदार है। और जब तक ये खिलाड़ी अंडर 19 तक पहुंचते हैं और विश्व कप खेलने जाते हैं, उसके पहले राइट फ्रॉम अंडर 14 से लेकर अंडर 19 तक इतने सारे ये मैचेस खेल चुके होते हैं, इतने सारे ये कैंप्स अटेंड कर चुके होते हैं, इतने सारे एनसीए कैंप्स अटेंड कर चुके होते हैं कि मंच से जाते हैं। और इसीलिए इंसानी होती है वहां पर, इनको हम लोग इतना ज्यादा एक्सपोजर देते हैं कि इस तरह के एक्सपोजर मुझे लगता है नहीं कोई और देश दे पाता है। तो हमारे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है जूनियर क्रिकेट में, और इसी वजह से यहाँ से इतने सारे खिलाड़ी निकलते हैं। हमारे यहाँ जो थोड़ी बहुत इशू है, जो इशू नजर आती है, वो यही है कि अंडर 19 के बाद जो ट्रांजिशन फेज है, वहां पर खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। हाँ, वो उस पे कल बड़ा डिटेल में बात करेंगे सब भाई। हाँ, बात करेंगे। पर सबसे बड़ा कारण, जैसे कि मैंने कहा, कि हमारे यंगस्टर्स को बहुत सारे एक्सपोजर मिलते हैं, खुद वो अपने हिसाब से कई सारे सोल्यूशन ढूंढ देते हैं। अब इसी फाइनल मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो हमारे 4 विकेट गिर गए थे, उसके बाद बड़े आसानी से उन्होंने रन चेस किया, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन कई बार पहले ये सारे खिलाड़ी देख चुके हैं अंडर 19 लेवल पर या फिर अंडर 16 लेवल पर। यश धूल ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 2 विकेट गिरने के बाद शतक लगाया, इस तरह की सारी खेल चुके हैं अपने करियर में, तो इस तरह की परेशानी कभी होती नहीं है। और विश्व कप के पहले भी जो हमारी तैयारी होती है, जिस तरह से हम लोग एक्सपोजर देते हैं खिलाड़ियों को, वो लाजवाब है, वो अद्भुत है। इस बार तो कोविड के कारण ज्यादा दे नहीं पाए, पर इसके पहले मैं जब भी मौजूद था बीसीसीआई में, जितने सारे मैचेस, जितने सारे फॉरेन ट्रिप्स ये खिलाड़ी करते हैं। आया सर, क्योंकि चलते थे, एक सवाल हर्ष जैन ने बड़ा अच्छा पूछा है, उनका सवाल ले लेते हैं। आया सर, ये सवाल आपके लिए है कि अंडर 19 में बहुत ढेर सारे ऑलराउंडर्स मिले जिनको ग्रूम करा जा सकता है आने वाले टाइम में। राज बावा ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया फाइनल में, इससे पहले उसी मैच में सिंधु जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, ऑलराउंडर्स का एक बड़ा पूल नजर आ रहा है इस अंडर 19 वर्ल्ड कप ने जो हमें दिखाया है। राजीव, इसकी वजह दो है। देखिए, एक तो ये है कि आप इस एक एज ग्रुप में रहते हैं 10 से 16, 17, 18, 19 तक, तो आप सब चीज करना चाहते हैं, बैटिंग, बॉलिंग, विकेट कीपिंग, जो आपको मिला वो आप करना चाहते हैं। अगर आप पूरा हिस्ट्री देख लें अंडर 19 क्रिकेट का, तो इरफान पठान, युवराज सिंह, तब से जो शुरू हुआ वो गेंदबाजी और बैटिंग दोनों करते थे। विराट कोहली खुद जब अंडर 19 कैप्टन थे, बैटिंग भी करते थे, बॉलिंग भी करते थे। रोहित शर्मा ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते थे, बैटिंग करते थे, तो वगैरह। और मेरे ख्याल से फिलहाल जो माहौल बना है, और खास करके अंडर 19 का भी जो प्लेयर है, जितने भी प्लेयर्स हैं, वो अब उनके निगाहें जो है इंडियन टीम में आने की है या आईपीएल खेलने की है, और दोनों ही चीज। और व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो जैसे हमने पहले बताया कि बातचीत की हमने, कि ऑलराउंडर्स की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस हो रही है आईपीएल में भी, तो मेरे ख्याल से ये रहेगा। लेकिन इसमें से फिर जो है लोग निकलेंगे अपनी स्पेशलाइजेशन पे, क्योंकि हर कोई 11 ऑलराउंडर को आप खिला नहीं सकते। तो ये बहुत, ये जो 19 से लेकर 22-23 तक जो एज है, ये किस तरह से मैनेज करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है प्लेयर्स के लिए, खास करके अंडर 19 जो खेलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आया सर आपका, सभा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू उठाया आया सर ने भी और सभा भाई ने भी। इसमें हम मंगलवार को बातचीत करेंगे कि 19 से खिलाड़ी 20 में क्यों गायब हो जाते हैं, यानी कि वो जो एक ट्रांजेक्शन पीरियड होता है, वहां पर बीसीसीआई को ऐसा क्या प्लान करना चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी अंडर 19 के पूल से आगे मिले,
और फिर वो सीनियर टीम तक जाएं। इक्का दुक्का आते हैं हर बार वर्ल्ड कप के बाद से, और उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा नाम बनाया। इस पर भी बातचीत आगे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जुड़िए खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और आईबीएम के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @RajivMish मेरा ट्विटर हैंडल है, @CricketWalla रियाज सर का ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं आईबीएम ऐप पर, IBMPodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य आईबीएम पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। What is the workplace and how does your gender and body affect your right at work? Hey, I'm Priya Mirza, and on the Longest Constitution podcast, we critically examine the vision of the Indian Constitution and laws. In season 1, we looked at sex, gender, sexuality in India and the landmark judgments which transformed our rights as citizens in this country. In season 2, we discussed the laws which shape the workplace and examine how ability, competence and merit impact us, and much more. Join me, Priya Mirza, every Wednesday only on the IVM podcast app, website and all the major podcast streaming platforms. You're the people pleaser, right? Oh, yes. Or then desperately seeking the one? Oh, wait, you're the one who doesn't think they're ever good enough. Oh. So much drama. And for what? Is it doing you any good? Listen to me. I'm Chetna, your favorite positive action coach. Yes, I'm the one who has been dropping all those truth bombs on every episode. I know. And it's time you learn to say no to drama. That's also what my podcast is called. And a new episode is out every Monday and Wednesday on the IVM Podcast app, website, as well as all major podcasting platforms.